आज हम लोग सीखेंगे ब्लाउज की कटिंग करना। अगर हमारे पास दो ब्लाउज के कपड़े हों और एक कपड़ा छोटा और दूसरा कपड़ा बड़ा हो, मतलब जितना फिक्स साइज आता है 80 सेंटीमीटर का, और एक उससे थोड़ा कम हो, तो उन दोनों की एक ही साइज का ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। तो सबसे पहले आपको सीने की जितनी चौड़ाई है वो नाप कर कपड़े को बीच से फोल्ड करके दाग देकर कट कर लेना है। इसके बाद कपड़े को आपको कैसे फोल्ड करना है आप ये ध्यान से देखना। आपको बिल्कुल ऐसे ही फोल्ड कर लेना है और एक हिस्सा थोड़ा सा छोटा रखना है। क्या है ना कि पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा छोटा रखा जाता है। अब ब्लू वाले कपड़े को भी ऐसे ही मोड़ कर, क्योंकि ये छोटा है तो इसमें हम दोनों सिरे को मतलब बराबर से रखेंगे, क्योंकि ये वाला कपड़ा छोटा है इसलिए इसमें पीछे का जो हिस्सा होता है उसे हम छोटा नहीं रख रहे हैं। और ये कपड़ा थोड़ा मतलब उसमें मोड़ आ गया था तो उसे हाथ से हमने सीधा किया है। और यहाँ पे हम गले की कटाई करेंगे, तो गले पे 1.5 इंच का दिया जाता है, तो 1.5 दूना 3 इंच का उधर हो जाएगा। और यहाँ पे बीच में 3 इंच का दिया जाता है, मतलब शोल्डर के पास। और आर्म होल के लिए 5 इंच का दिया जाता है, क्योंकि ये सिंपल ब्लाउज है। अगर कॉलर वाला होता तो आर्म होल होते हैं 7 इंच का। और यहाँ पे कॉर्नर में जो राउंड शेप होता है वो होता है 1.5 इंच का। अब आपको ऊपर से पकड़कर इसे राउंड शेप में देना है। और फिर गले की जितनी लंबाई है, या तो आप ब्लाउज से नापें या नहीं तो बेसिकली ये भी 5 इंच का होता है। अब आपको कटिंग करना है, तो नीचे से आप कटिंग करेंगे। क्या है ना कि नीचे वाला हिस्सा पतला होता है और ऊपर का हिस्सा थोड़ा मोटा, इसलिए नीचे से थोड़ा कर्व करके काटा जाता है। हमने बाजू वाला हिस्सा को काट दिया है, अब गले वाले हिस्से को काटेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि आपने देखा कि चारों कपड़े यहाँ पे कटे हैं। उसके बाद आपको शोल्डर के जो कपड़े हैं फॉल्स उसे कट करके हटा देना है। अब यहाँ से गला नापना है आपको, जैसे मैंने वो पिक में दिखाया बिल्कुल वैसे ही करके। अगर आपको लगे कि गला छोटा है या फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर छोटा है तो उसे आप बड़ा कर सकते हो। अब हमने सामने के एक पल्ला को हटा दिया, क्योंकि ब्लू वाला सिर्फ अब एक पल्ला है और लाल वाला दोनों पल्ला। अब यहाँ पे हम लोग पीठ के मतलब पीछे कितनी चौड़ाई है वो नापेंगे, और यहाँ पे मार्जिन छोड़ के दोनों तरफ निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे हम लोग पीठ की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए निशान लगा देना है आपको। अब हम कटिंग करेंगे कपड़े को उठाकर, क्योंकि एक पल्ला लाल वाला का छोड़ देंगे और एक पल्ला लाल और एक पल्ला ब्लू इसमें है ऑलरेडी, इसलिए हम लोग इसे कट कर रहे हैं, क्योंकि ब्लू वाला सामने का जो पल्ला था उसे हमने पहले ही उठा के रख दिया था। तो अब हमारे पीछे के पल्ला का कटिंग कंप्लीट हुआ। अब इसमें अगर डोरी देना है तो हम वहीं पे कर्व करके या मोड़ के एक कट का निशान लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये निशान लगा दिया, तो अब सिलाई करते वक्त ये पता चलेगा कि दोनों डोरी एक दूसरे के सामने हो। तो ये दोनों ब्लाउज के पीछे का पल्ला था जो कंप्लीट हो गया, और आगे का पल्ला ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को बाजू का कटिंग करना है और इसकी डोरी बनाना है, तो डोरी का
अब आगे के पल्ला में काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए हम लोग कट करेंगे। तो इसमें नीचे का जो पेटी होता है वो 5 इंच और 4 इंच का होता है। और अगर आपको लगे कि गले के पास कहीं थोड़ा सा कपड़ा मतलब इधर उधर हुआ है तो आप वो बराबर कर लेंगे। और यहाँ पे भी मैंने आपको पिक से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि हम कौन से वाले हिस्से को कट करते हैं और कौन से वाले को मापते हैं। जैसे अगर आप काज पट्टी और बटन पट्टी के पास देखोगे तो एक अलग से कपड़ा जुड़ा हुआ होता है, तो हम लोग पहले जहाँ से वो कपड़ा जुड़ा हुआ है वहाँ तक ही मापते हैं। जैसे ये कपड़ा जो है उस तरफ वो पट्टी वाला है। हमने इन दोनों को अलग कर दिया। अब यहाँ से काज पट्टी और बटन पट्टी के बीच का जो कपड़ा होता है वो कट करेंगे। अब सामने का भी पल्ला अलग अलग हो गया और नीचे का वो पेटी। अब सारे कपड़ों को एक साथ करके हम सिमेट देंगे। अब बचे हुए जो कपड़े हैं उनसे हम लोग बाजू निकालेंगे। बाजू निकालने के लिए कपड़े को आप फोल्ड कर दें 4 लेयर में। इससे क्या होगा, एक ही साथ दो ब्लाउज मतलब एक ब्लाउज के बाजू निकल जाएंगे दोनों। और जो कपड़ा छोटा है उसे ऊपर रखना है और जो बड़ा है वो तो ऑलरेडी नीचे रहेगा। अब यहाँ पे आपको बाजू का लंबाई नापना है। तो बाजू की लंबाई नापने के लिए हमने एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की है, तो आपको भी ऐसे ही पकड़ के नापना है। नापने के बाद आपको थोड़ा सा मार्जिन को छोड़कर एक निशान लगा देना है और चौड़ाई जितनी है उसे भी आप नाप लें और 1 इंच छोड़कर मार्जिन के लिए नाप लगा दें आप। आर्म होल से भी आपको वैसे ही नापना है। फिर सबको एक राउंड शेप में या कर्व के शेप में दे दें और उसके बाद कटिंग करें। कटिंग करते वक्त भी आपको 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन देना है, क्योंकि किसी किसी बाजू में हेम होता है तो उसके लिए हमें मोड़ना होता है। अब बचे हुए कपड़े में से आप डोरी के लिए निकालें। डोरी के लिए भी आपको वैसे ही नॉर्मली फोल्ड कर देना है 3-4 लेयर में। फोल्ड करने के बाद एक दूसरे के ऊपर रखें और एक ही बार कट कर दें। इससे क्या होगा कि जितनी भी डोरियां निकालनी होगी एक ही साथ निकल जाएगी। तो दोस्तों अब हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आई तो कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।